दोस्तों, मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये साल 2004 से लगातार करोड़ों दर्शकों के बीच में लोकप्रिय है। आज हम आपको बताते हैं कि इस रियलिटी शो में भाग लेने वाले कुछ ऐसे कंटेस्टेंट जिन्होंने शो को तो नहीं जीता लेकिन कामयाबी के ऊंचे शिखर पर पहुंच गए हैं। इस कड़ी में सबसे पहले नाम लें तो इस शो का हिस्सा रह चुकी मोनाली ठाकुर का नाम सामने आता है। मोनाली ठाकुर को मोह मोह के धागे गाने के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों, दूसरा नाम आता है भूमि त्रिवेदी का, जिनके राम चाहे लीला, लीला चाहे राम गाने ने धूम मचा दी है। हालांकि खराब तबीयत के चलते भूमि त्रिवेदी को इंडियन आइडल छोड़ना पड़ा था, लेकिन आज ये कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रही है और कई बेहतरीन फिल्मों में इनके गाने सुपरहिट हुए हैं। इसके बाद बात आती है अंतरा मित्रा की, जिन्होंने फिल्म दिलवाले में अभिनेत्री काजोल को उनके गाने रंगदित मोहे गेरुआ में अपनी आवाज दी है। अंतरा मिश्रा को भी रियलिटी शो की बदौलत आगे बढ़ने का मौका मिला है। इसी तरह राहुल वैद्य, जो फर्स्ट इंडियन आइडल शो के रनर अप थे, उन्होंने अपने टैलेंट से खूब कामयाबी पाई है। इंडियन आइडल के सीजन 3 में नजर आने वाले मियां ने भी शो तो नहीं जीता लेकिन कई शो होस्ट करके खूब लोकप्रियता बटोरी है। दोस्तों, अंत में बात करें इंडियन आइडल के 12वें सीजन की जज नेहा कक्कड़ की, तो आपको बता दें कि जिस इंडियन आइडल शो का वो हिस्सा रही हैं, आज उसी शो को वो जज कर रही हैं। दोस्तों, वीडियो सॉन्ग से लेकर फिल्मों तक में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने वाली नेहा कक्कड़ की जादुई आवाज़ के लोग दीवाने हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स जो रियलिटी शो तो नहीं जीत पाए लेकिन अपनी प्रतिभा का लोहा वो आज भी मनवा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।